अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट हार्मोन्स। हमारे एमडीकेट के सिलेबस में तीन प्लांट हार्मोन्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सिन, जिब्रिलिन्स और एब्सेसिक एसिड। इनमें से ऑक्सिन और जिब्रिलिन्स जो हैं ये दोनों ग्रोथ प्रमोटर हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जबकि एब्सेसिक एसिड जो है ये एक इनहिबिटरी मॉलिक्यूल है, इनहिबिटरी हार्मोन होता है और ये अक्सर प्रोसेसेस जो होते हैं उनको रोक देगा या ऑक्सिन और जिब्रिलिन्स के ऑपोजिट काम करेगा। तो देखते हैं कि कौन सा हार्मोन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अपनी बात स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन जो है ये इंडोल एसिटिक एसिड है, शॉर्ट फॉर्म इनकी होगी IAA। इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये प्लांट के ग्रोथ स्टिमुलेटर हैं और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये सेल इनलार्जमेंट करवाते हैं और ये सेल डिवीजन भी करवाते हैं। सेल की जो इनलार्जमेंट होती है वो एपेक्स के बिल्कुल पीछे हो रही होती है, तो वहां पर ये सेल की इनलार्जमेंट करवाते हैं जिससे प्राइमरी ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। जबकि ये कैम्बियम में सेल डिवीजन करवा रहे हैं, इसका मतलब ये थिकनेस को इंक्रीज करवा रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहां से पता चला कि ये जो है ये प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इनका फंक्शन है वो ये है कि दे ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ बट इन लो कंसंट्रेशन। जब ये थोड़ी मिकदार में होते हैं तो रूट ग्रोथ को भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और अगर ये ज्यादा मिकदार में होंगे तो ये रूट ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेंगे। फिर ये रूट की ग्रोथ करवाते हैं कैलस से और कटिंग से। ये वो प्रोसेस है जिसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जब हमने प्लांट्स को प्रोपेगेट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट की एक ब्रांच लेते हैं जिसके अंदर नोड्स होती हैं और फिर हम उसको लगा देते हैं जमीन के अंदर। ये प्रोसेस कटिंग है। जो जमीन के अंदर उसका पार्ट होता है उसकी जो नोड्स हैं वहां से रूट्स बन जाती हैं, तो वहां से जो रूट्स की ग्रोथ हो रही है वो भी बेसिकली ऑक्सिन की वजह से ही हो रही होती है, तो ये रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है कि ये एपिकल डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, एपिकल डोमिनेंस जो है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस ये होता है कि जो एपिकल बर्ड्स होती हैं वो ज्यादा ग्रो करती हैं और लेटरल बर्ड्स जो हैं वो कम ग्रो करती हैं। तो हम कहेंगे कि एपिक्स डोमिनेट कर गया। एपिक्स के डोमिनेट करने से प्लांट की हाइट बहुत बढ़ जाती है और ये फिनोमेना भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है। अदर देन दैट इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये पार्थिनोकार्प इंड्यूस करवा सकते हैं, ये फ्रूट सेट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फ्रूट की सेटिंग का मतलब क्या है, फ्रूट की सेटिंग का मतलब है कि प्लांट ओवरी को रिटेन करेगा। देखिए अगर ओवरी गिर जाए तो फ्रूट नहीं बन सकता, ओवरी रिटेन हो जाए तो फ्रूट बनेगा। ओवरी की रिटेंशन को ही हम कहते हैं फ्रूट सेट कहते हैं, और एक दफा जब फ्रूट सेट हो गया तो उसके अंदर फूड जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, दैट इज फ्रूट ग्रोथ। और पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फ्रूट का डेवलप होना इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। और पार्थिनोकार्पी भी ऑक्सिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसके नतीजे में पार्थिनोकार्पी के नतीजे में जो फ्रूट बनता है वो सीडलेस होता है। सीडलेस फ्रूट जो है वो इसके नतीजे में बनता है। ठीक हो गया। ये फिनोमेना आपने देखा होगा ग्रेप्स वगैरह के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ये इनहिबिट करते हैं, ये डिले करते हैं लीफ की सिनेसेंस को या एजिंग के प्रोसेस को। लीफ के अंदर एजिंग के प्रोसेस को ये रोकते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं या डिले कर देते हैं। एजिंग एक्चुअली डिले की जाती है, ठीक है, एजिंग जो है वो डिले की जाती है कि अगर एक लीफ ने 6 महीने के बाद उसमें एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना था तो ये उसको डिले करके 6 महीने से आगे ले जाएंगे, तो ये एजिंग को डिले कर देंगे। और फिर ये इनहिबिट करते हैं एप्सियन को यानी फ्रूट ड्रॉप को। देखिए अगर फ्रूट रहेगा प्लांट के ऊपर तो ही उसकी ग्रोथ होगी, और जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर वो राइपनिंग के प्रोसेस की तरफ जाएगा। जब राइपनिंग हो जाएगी तो फिर एनिमल्स उसको फीड करेंगे उसके ऊपर और सीड्स की डिस्पर्सल होगी। ये पूरा फिनोमेना होता है। लेकिन अगर फ्रूट जो है अभी राइपेंड नहीं है, प्रॉपरली उसकी ग्रोथ नहीं हुई और वो ड्रॉप हो जाता है तो एनिमल्स उस पर फीड नहीं करेंगे, नतीजे के तौर पर सीड का डिस्पर्सल नहीं होगा। फ्रूट जो है वो सीड के डिस्पर्सल के लिए होता है, तो वो उसका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो सकेगा, लिहाजा ये उस प्रोसेस को रोके रखता है तब तक जब तक फ्रूट की ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाती।
ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये कमर्शियली भी अवेलेबल है। जो कमर्शियली अवेलेबल ऑक्सीजन है ये ज्यादा बेहतर होते हैं, ये ज्यादा अरसे तक प्लांट के अंदर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि प्लांट के पास इनको डिग्रेड करने वाले एंजाइम नहीं होते। प्लांट के पास नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम होते हैं, लेकिन सिंथेटिक के लिए नहीं होते, इसलिए ज्यादा देर निकाल जाते हैं। हमारे पास इसकी जो है वो तीन एग्जाम्पल है, NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या करता है ये? फ्रूट सेट करवाता है और पार्थिनोकार्प इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी इसकी वजह से फ्रूट लाजमी तौर पर डेवलप होगा और सीडलेस होगा। दूसरा है इंडोल प्रोपेनोइक एसिड। इंडोल प्रोपेनोइक एसिड का भी सेम फंक्शन है, फ्रूट सेट और पार्थिनोकार्पी। और थर्ड है 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic एसिड जो है ये तीन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक ये वेट किलर है, ये छोटे मोटी जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको किल करता है, ये प्रिवेंट करता है स्प्रूटिंग को ऑफ पोटेटोज ताकि उनकी लाइफ बढ़ जाए। एक्चुअली क्योंकि ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा होता है और लेटरल ग्रोथ, लेटरल जो बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होता है, और जो पोटेटो के ऊपर आईज होती हैं जहां से स्प्रूटिंग होनी है वो लेटरल बर्ड्स हैं, तो ऑक्सीजन के होते हुए वो लेटरल बर्ड ग्रोथ नहीं कर सकेंगी, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये स्प्रूटिंग को प्रिवेंट करता है और डेफिनेटली ये एब्सिशन को भी रोकता है ताकि फ्रूट ड्रॉप ना हो। ये ऑक्सीजन के फंक्शन है। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ ही मिलते जुलते फंक्शन किसके हैं? जिब्रेलिन्स के हैं, क्योंकि जिब्रेलिन्स जो है या जिब्रेलिक एसिड जो है ये भी ग्रोथ प्रमोटर ही है, और ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे ऑक्सीजन परफॉर्म करता है। जैसे कि इसका पहला फंक्शन देखिएगा कि ये सेल इनलार्जमेंट और सेल डिवीजन करवाता है, तो यही फंक्शन हमने ऑक्सीजन के लिए भी पढ़ रखा है। इसका मतलब है कि ये भी प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है कि ये प्रमोट करता है बोल्टिंग को। ये बोल्टिंग क्या होती है? बोल्टिंग वो फिनोमेना है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो सीजन से पहले ही क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर देते हैं। एक्चुअली ये इनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। होता ये है कि अगर कंडीशंस वर्स हो जाएं, अगर कंडीशंस जो हैं वो बेहतर ना रहें, तो फिर क्या होता है, फिर प्लांट जो है वो फ्लावरिंग इंट्रोड्यूस करवा देता है अपने सीजन से पहले ही। क्योंकि फ्लावर अगर बन जाएगा तो चांसेस हैं कि प्लांट की अगली जनरेशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन अगर प्लांट ने फ्लावर ही प्रोड्यूस ना किए तो क्या होगा, उसकी जनरेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो आगे पास नहीं होगी और वो एनवायरनमेंट से वाइप आउट हो सकता है। तो बोल्टिंग बेसिकली क्या है, वो मैकेनिज्म है जिसमें आप कह लें प्री मेच्योर फ्लावरिंग हो जाती है इन सम रोसेटिव प्लांट। उसके बाद ये बड की इनिशिएशन करवाता है क्रिसेंथेमम में। क्रिसेंथेमम गुले दाऊदी को कहते हैं, फूल होते हैं, उनके अंदर जो बड की इनिशिएशन है, जो फूल के बनने का प्रोसेस है, जो बड एक्टिव होती है, उसके अंदर भी जिब्रेलिन्स का रोल होता है। फिर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की तरह ये लीफ की ग्रोथ को करता है, प्रमोट करता है, और ये फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम करता है, ऑक्सीजन को कहले सपोर्ट करता है उसके फंक्शन के अंदर। फिर ये एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है जस्ट लाइक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और ये मिलकर एक्चुअली क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंस कॉज करते हैं। ये दोनों हार्मोन इकट्ठे रोल प्ले कर रहे होते हैं एपिकल डोमिनेंस में, जो आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है कि बर्ड और सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टिमुलेटर है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, तो लिहाजा ये क्या करेंगे, ये बर्ड और सीड की डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट से सीड को और बर्ड को निकालेंगे और उसके अंदर ग्रोथ को प्रमोट कर देंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ये बर्ड और सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट कर देते हैं। उसके बाद है कि ये फ्लावरिंग इंट्रोड्यूस करवाता है लॉन्ग डे प्लांट में, क्योंकि ये रेड लाइट का सब्स्टिट्यूट है। याद रखें जो रेड लाइट होती है वो भी करती है, वो भी सेम काम करती है। ठीक है, रेड लाइट जो होती है वो भी यही सेम फंक्शन परफॉर्म करती है कि वो क्या करती है, लॉन्ग डे में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है जबकि शॉर्ट डे में इनहिबिट करती है। तो क्योंकि ये रेड लाइट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसलिए ये भी लॉन्ग डे के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा और शॉर्ट डे के अंदर उसको इनहिबिट कर देगा। एंड पर है कि डिले इन लीफ सीनेसेंस, वही ऑक्सीजन वाला फंक्शन कि ये एजिंग के प्रोसेस को करता है, डिले कर देता है। अब इसकी जो जिब्रेलिक एसिड की कमर्शियल एप्लीकेशन है वो क्या है कि ये फ्रूट सेट में इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है पार्थिनोकार्पी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और ये बेरी का साइज इंक्रीज करने के लिए होता है, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी जो है इनके साइज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इनके एप्लीकेशन है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
जिब्रेलिक एसिड की एक फॉर्म है जिसे हम GA3 कहते हैं, ठीक है। ये अल्फा अमाइलेज एंजाइम की प्रोडक्शन करवाता है और ये एंजाइम जो है वो माल्टिंग में इस्तेमाल होता है, माल्टेड फूड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। माल्टेड फूड वो होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके और फिर प्रोसेस करके, कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्रेन्स के अंदर होते हैं उनको ब्रेक करके और फिर प्रोसेस करके बनाए जाते हैं, उसके लिए अल्फा अमाइलेज एंजाइम चाहिए होता है और वो GA3 की एप्लीकेशन से हम बनवा सकते हैं प्लांट से। इसके बाद है कि ये राइपनिंग को डिले करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से राइपनिंग जो है प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके। जब ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगी तो उसके बाद जब राइपनिंग होगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, उसकी तरफ एनिमल्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। दूसरा है कि ये स्टोरेज लाइफ बढ़ा देता है बनाना की और ग्रेप फ्रूट की, तो ये आपने इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन याद रखनी है। आप इसमें से अगर नोट करें तो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो इनके क्या हैं, एक जैसे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहला वाला फंक्शन है ये क्या है, ये एक जैसा फंक्शन है। फिर दूसरा जो है ये आप देख सकते हैं कि इनका जो थर्ड फंक्शन है वो भी एक जैसा है। ये बर्ड इनिशिएशन करवाते हैं, ये भी बर्ड इनिशिएशन करवाता है, ये भी बर्ड इनिशिएशन करवाता है। फिर आप देख सकते हैं कि ये एपिकल डोमिनेंस दोनों करवाते हैं। इसी तरीके से जो डिले इन लीफ सीनिसेंस है ये भी करवाता है और ये भी करवाता है, ठीक हो गया। तो ये चीज जो है इनके फंक्शन जो है एक जैसे हैं, ये आप याद रखिएगा कि उनके कौन से फंक्शन एक जैसे हैं और कौन से फंक्शन में एक दो रोल अलग भी हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड की तरफ। आप देखेंगे कि इसके फंक्शन डिफरेंट होंगे। जैसे कि पहला फंक्शन क्या है कि ये इनहिबिट करता है रूट एंड स्टेम ग्रोथ को। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ये क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है। कब इनहिबिट करता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है, कोई एनवायरमेंटल ऐसा क्लू इनको मिल जाता है, कोई ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ग्रोथ को रोकना पड़ता है, तो तब एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोक देता है। कंडीशन कौन सी है, ड्रॉट, खुश्क साली से हम कहते हैं, या फिर वाटर लॉगिंग, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग और ड्रॉट के केस में जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है वो है एब्सिसिक एसिड। सिमिलरली ये प्रमोट करता है बर्ड और सीड की डोरमेंसी को। ये सीड को कहता है कि तुम डोरमेंट ही रहो, ये बर्ड को कहता है कि तुम डोरमेंट ही रहो, क्योंकि कंडीशन बेहतर नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं ये दोनों क्या करते हैं, बर्ड और सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं। फिर ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है, अगेन अंडर स्ट्रेस। जैसे कि अगर ड्रॉट है, पानी की कमी हो जाए, तो ये स्टोमेटा को बंद करवा देता है। इसी तरीके से अगर लाइट बहुत ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त भी क्या होता है, उस वक्त भी स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। और इसमें एब्सिसिक एसिड जो है वो रोल प्ले करता है ये देखते हुए कि कहीं पानी की कमी तो नहीं होगी, और अगर पानी की कमी हो गई है तो वो क्या करेगा, वो स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा। इसके बाद है कि ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट। आप देखिए जरा कि ये जिब्रेलिंस के उलट जा रहा है। जिब्रेलिंस ने लॉन्ग डे प्लांट के अंदर क्या किया था, फ्लावरिंग को प्रमोट किया था, इसने शॉर्ट डे के अंदर प्रमोट किया है। तो ये जिब्रेलिंस के एंटागोनिस्ट है इन दैट केस। और ये लीफ सिनिसेंस को प्रमोट करता है, ये एजिंग को रोकते हैं दोनों, और ये एजिंग को प्रमोट करता है। तो यहां पर ये भी एक जो है इसका ऑपोजिट फंक्शन है, एंटागोनिस्टिक फंक्शन है, याद रखिएगा। और ये फ्रूट की एब्सिसियन को प्रमोट करता है, ये फ्रूट ड्रॉप को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये भी इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन बाकी दोनों से डिफरेंट फंक्शन है, उनसे ऑपोजिट जा रहा है, ठीक हो गया। और यही फंक्शन इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन भी है कि जब फल पक जाते हैं, राइपनिंग हो जाती है, तो एब्सिसिक एसिड को स्प्रे किया जाता है, ये फ्रूट ड्रॉप को प्रमोट करता है। इसके नतीजे में हमें एडवांटेज ये होता है कि हमें जो एक लंबा टाइम लगना था फ्रूट्स को पिक करने में, वो नहीं लगेगा, हमारा वो टाइम सेव हो जाएगा। तो ये तीन हार्मोन्स थे कम्युनिकेशन के अंदर, प्लांट हार्मोन्स जो आपने देखे, उनका रोल देखा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।